जय बताओ। संजय पावर अमन जी, आवाज क्लियर है अमन जय जी? संजय पावर सर, जय संजय पावर, वेलकम सर, वेलकम। जी सर, बहुत हाँ ही जी कम सर, हाँ समय जी आप सर, लेंगे, क्लियर सर। बहुत ही कम समय लेंगे, बहुत ही एक्साइटेड न्यूज हम देंगे, कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे। जंगल अगर खाली है तो ये मत समझना चाहिए कि जंगल में शेर नहीं है, ये खामोशी से लोग अंदाजा लगाता है जंगल खाली पड़ा। और संजय पावर के मंच अगर सीएमडी से आज खाली है तो दुनिया ये समझ ले कि ये कोई खामोशी बड़ी तूफान का आगाज है। अब मैं टेक्नोलॉजी की ओर चलता हूं सर, और जो भी लोग टेक्निकल सेशन दिखाते हैं वो रिसर्च कर लेंगे, हमारी बातों को अब नोट करना स्टार्ट करिए। हमारे पास दुनिया में बहुत ही कम, 1 से 2 से 3 से 4 ऐसे क्रिप्टो करेंसी होगी जिसके पास यूएसडीटी डॉलर होगा, और संजय पावर आपका यूएसडी डॉलर लॉन्च कर चुका है। सीएमडी जो अपडेट देंगे वो देंगे, इसे टेक्नोलॉजी का ज्ञाता बोलते हैं। मैं शाम से 2 से 3 घंटा से इसी चीज पे रिसर्च कर रहा था, संजय पावर यूएसडीटी डॉलर लॉन्च कर चुका है, अब आइए संजय पावर अपनी स्वैप भी लॉन्च कर चुका है, और आइए जो भी व्यक्ति इस पे टेक्नोलॉजी देना चाहेंगे वो देंगे, क्योंकि हम उससे ज्यादा हटकर बताते हैं। अब आइए टेक्निकल, चलिए आप ट्रस्ट वॉलेट में संजय पावर scan.com डालिए, ट्रस्ट वॉलेट के सर्च में संजय पावर scan.com डालिए, जो हमारा ब्लॉकचेन है, और वहां डालने के बाद जिस तरह आप स्टेकिंग के लिए की बटन दबाते हैं आप दबाइए, संजय पावर का आपका ब्लॉकचेन खुल जाएगी। संजय पावर के जैसी ही ब्लॉकचेन खुलेगी वहां बहुत सी चीज मिलेगी, कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, कितना ब्लॉक सॉल्व हुई है, कितनी ट्रस्ट वॉलेट में अभी तक अपडेट हो चुकी है। खैर उस ओर हम नहीं जाएंगे, टाइम ज्यादा हो जाएगा, वो लंबा सेशन है। हम आपको 2D पॉइंट बात करते हैं, वहां पर आप ब्रिज को दबाइए, और जैसे आप ब्रिज में जाएंगे हमारे ब्रिज में बीएनबी, इथेरियम, मैटिक, यूएसडीटी एलपी, WUSDT, ये सब भी टेक्निकल में बहुत लंबा हो जाएगा, समय दीजिएगा आधा घंटा का, तो वो WUSD क्या होता है, एलपी क्या होता है, वो सब मैं बताऊंगा, वो सब एक लंबा विषय बिंदु है, समय पूरा इसके लिए मुझे चाहिए था। चलिए अब पॉइंट नोट करते हैं। आप क्या करेंगे वहां पे, आपका जो BUSD है, BUSDT को आप ब्रिज में कन्वर्ट करेंगे संजय पावर के USDT में। मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूं, BUSD को आप संजय पावर के USDT में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि संजय पावर का स्टेबल क्वाइन लॉन्च हो चुका है। आप लोग सभी लोग मिठाई खाइए, हम लोग खाएंगे, अब विरोधी को पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वहां पे आप BUSD को संजय पावर के USDT में कन्वर्ट करिए, और कन्वर्ट जैसे हो जाएगा वहां पे ट्रांजेक्शन फी बहुत ही कम लगेगी। आप आ जाइए डेक्स में, डेक्स में मतलब स्वैप, आप डेक्स में आइए, और जैसे ही डेक्स में आएंगे जिस तरह पेनकेक स्वैप होता है, जिस तरह और भी स्वैप होता है, वहां पर स्वैप में आइए, और जिस तरह थ्री डॉट को क्लिक करते हैं, थ्री डॉट को क्लिक करिए, एसबीसी मैग्नेट को आप मतलब वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिए एसबीसी मैग्नेट से। जैसे ही वॉलेट कनेक्ट होता है आप वहां से BUSD का एड्रेस कॉपी कर लीजिएगा, वो आपके ब्लॉकचेन पे मिल जाएगा, संजय पावर का BUSD का एड्रेस, मैटिक का एड्रेस। आप ये मत समझिए कि मैटिक नाम से आप नहीं ला सकते, यहाँ पे नाम से नहीं ला सकते, सभी चीज का ब्लॉकचेन पे एड्रेस है, आप एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे लाइएगा तो आएगा स्वैप पर, और ऐसे वहां से आप BUSD का एड्रेस लाइए या एड्रेस टाइप करिए, BUSD मतलब एड करिए, जैसे एड हो जाएगा आप वहां से आप मतलब हमारे डॉलर है उस डॉलर के एड्रेस टैग करिए, और वहां से आपको SPC क्वाइन बाई कर सकते हैं। मजे की बात है, $5 की आप SPC क्वाइन नहीं रही, कम से कम 5.5 से 6 डॉलर की हो चुकी है, और न जाने आने वाले कल में कितना डॉलर तक जा सकती है। आप SPC डॉलर मतलब हमारे संजय पावर के डॉलर से SPC क्वाइन को बाई कर सकते हैं। ये तमाम स्वैप आपका आ चुका है, आपका ब्रीजिंग सिस्टम आ चुका है, लेकिन डायरेक्ट किसी भी SPC से बाय नहीं कर सकते हैं, आप डायरेक्ट किसी भी USDT से बाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अलग चैन है, BSC चैन अलग है, इथेरियम चैन अलग है, आपको कंपनी ने चार चैन को बदलने का मौका दिया। अगर आपका USDT, आपका BUSDT अगर BSC चैन पर है, किसी भी चैन पर है, पहले आप ब्रिज के माध्यम से उसको हमारे चैन पे लाना होगा, ब्रिजिंग करिए, ब्रिज के माध्यम से मेरे चैन पे लाइए,
संजय पावर के चैन पे लाइए और फिर वहां से लाकर आपको यूएसडीटी में कन्वर्ट करना होगा। संजय पावर के यूएसडीटी में कन्वर्ट करिए, फिर जाके एसबीसी क्वाइन को आप बाय कर सकते हैं और फिर जाके स्टेक कर सकते हैं। तो आपका प्रॉपर चालू हो चुका है ब्रिज और स्वैप सिस्टम भी। अब मैं इसको अंत में एक बात बताना चाहूंगा, बिनांस का नाम सभी ने जानता है, बीएनबी बिनांस एक एक्सचेंज है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, लेकिन क्या ये बिनांस का डेफी है? मेरा मानना है नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट एक अलग कंपनी है, उसके साथ टाई अप है। ट्रस्ट वॉलेट एक अलग कंपनी जो उसके साथ टाई अप है। क्या ट्रस्ट वॉलेट का स्वैप है? नहीं है। पेन केक एक अलग सब कंपनी है, जो पेन केक स्वैप पर जाके जो स्वैपिंग करते हैं वो अलग कंपनी है, एक दूसरे से टाई अप है। यानी तीन कंपनी मिलकर बिनांस चलती है, तब जाकर डेफी चलती है। यानी बिनांस का चैन है जरूर है, लेकिन वहां पर उस चैन को संचालित करता है पेन केक स्वैप, जहां से हम लोग स्वैपिंग करते हैं, और उस वॉलेट को संचालित करता है ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट की भी अपनी क्वाइन है, जिसको TWT बोलते हैं। पेनकेक स्वैप के भी अपनी क्वाइन है, जिसको केक बोलते हैं, और विनांस के भी अपनी क्वाइन है, जिसको बीएनबी बोलते हैं। तीन कंपनी मिलके हमारा वो हमारा डेफी ट्रस्ट वॉलेट चलाता है। लेकिन संजय पावर ओनली वन वर्ल्ड में नंबर वन, मतलब आज तक किसी भी डेफी एक्सचेंज के साथ दो से तीन कंपनी का टाइप होता है। आप फंटम का भी देखिए, वहां पर किसी दूसरे कंपनी से टाइप है। मैटिक का भी देखिए, डायरेक्टली इतना सारा सिस्टम लेकर नहीं आ सकती है। लेकिन संजय पावर ने आपका ओनली वन सारी सिस्टम खुद को लॉन्च किया, यानी कि अगर वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी कंपनी खुद ही लेके आ रही है, ब्लॉकचेन अपनी है और वॉलेट भी अपनी है, इनकी ब्रिज भी अपनी है, स्वैपिंग भी अपनी, यानी स्वैप भी संजय पावर के अपना है, और सबसे बड़ी बात स्टेबल क्वाइन भी अपना है। तो सर सभी लोग रिसेंटली बहुत जल्द करोड़पति होंगे। संजय पावर का रेट, एसबीसी क्वाइन का रेट, अब मेरा मानना है टेक्निकल हिसाब से अगर मैं डिफाइन करूं तो अप्रोक्स $6 जा चुका है। कोई व्यक्ति $5 पे अभी भी खरीदना नहीं चाह रहा, नहीं खरीदिए। आप देखिए आने वाले कल में होता क्या। तो ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, धन्यवाद सर, आप लोग ने हमें मौका दिया, टेक्निकल हमारे पास था, मैंने आप लोग के सामने रखा। धन्यवाद सर।